सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। नमस्कार, मैं सुधांशु रघुवंशी, कक्षा 12वीं कला वर्ग का छात्र। आज कक्षा 6 से चली आ रही प्रार्थना सभाओं की व्याख्यान माला में अपना अंतिम, संभवतः अंतिम व्याख्यान लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हूं। चूंकि आज के दौर में हम ढेर सारी प्रतियोगिताएं करते हैं, प्रतिस्पर्धाएं करते हैं, किंतु हमें यह याद रखने की आवश्यकता है कि हमें प्रतिस्पर्धा से अधिक अनुस्पर्धा पर ध्यान देना चाहिए। हम खुद से बेहतर हुए हैं या नहीं, यदि हम स्वयं से बेहतर हो रहे हैं तो हमें किसी अन्य व्यक्ति से प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। संकट मोचन में मेरे व्याख्यान का विषय था रामचरित मानस की वर्तमान में उपयोगिता। चूंकि आज के दौर में जो कि टेक्निकल युग हो गया है, हम अपनी संस्कृति से धीरे धीरे कटते जा रहे हैं। बड़े दुख की बात है कि यहाँ जितने छात्र उपस्थित हैं उनमें से अधिकांश छात्र रामचरितमानस की 3-4 चौपाइयाँ जो प्रसिद्ध हैं उनको भी ठीक से गा नहीं पाएंगे या उसका अर्थ नहीं जानते हैं। ऐसे में रामचरितमानस की अनिवार्यता, उपयोगिता को जानना हम सभी के लिए कदाचित श्रेयस्कर भी है और आवश्यक भी है। रामचरितमानस बालकांड से प्रारंभ होता है और वहाँ पर एक आदर्श बालक के रूप में प्रभु श्रीराम का चरित्र दिखाई देता है। वहां कहते हैं, प्रात काल उठिकै रघुनाथा, मात पिता गुरै नावहि माथा। और आज का चरण यह हो गया है, प्रात काल उठिकै रघुनाथा, पटकै फोरै फोन पे माथा। इस चलन को बदलने की आवश्यकता है। उसके बाद, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सपाई। आज का दौर, गुरु जी आय के घर पे पढ़ाई, तबहु जाय की विद्या नाई। अनुज सखा संग भोजन करही, मात पिता आज्ञा अनुसरही। जब मन तब्बे भोजन करही, जब मन तब्बे भोजन करही, मात पिता आज्ञा दूत करही। ये दौर में जो परिवर्तन आ रहा है, तब रामचरितमानस उपयोगी ही नहीं अभी तो अनिवार्य होता जा रहा है। तत्पश्चात आप यदि अयोध्या कांड प्रवेश करेंगे, वहां पर भरत के भाई भक्ति पर, लक्ष्मण के भ्रातृ प्रेम से सभी की आंखें विह्वल हो जाती हैं। आज जहां दो भाइयों के बीच में इंच भर जमीन के लिए लड़ाई हो रही है, तब यह बात कितनी प्रासंगिक है कि परम पुनीत भरत आचरणु, मधुर मंज मुद मंगल करनु। उसके आगे आप अरण्य कांड प्रवेश करते हैं। आप जिंदगी में कभी ना कभी स्ट्रेस से, डिप्रेशन से ग्रसित होंगे। आपके जिंदगी में कभी ना कभी ऐसी परिस्थिति अवश्य आएगी कि सामने का मार्ग दिखाई नहीं देगा। तब हमें राम का यह कथन अवश्य याद रखना चाहिए कि प्राण प्रिया पत्नी खो गई है, हनुमान से भेंट नहीं हुई है, आगे का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, गीधरा जटायु मृत्यु शैया पर है और प्रश्न कर रहे हैं कि हे राम, मुझे अब जीना तो नहीं है, मेरे सम्मुख तुम हो जो कि बड़े भाग्य से मिलते हैं, पर एक बात है कि स्वर्ग में जाकर तुम्हारे पिताजी मिलेंगे जो बचपन के मित्र हैं, वो पूछेंगे क्या चल रहा है धरती पर, तो मैं क्या जवाब दूंगा। तब राम निराश हताश होने की जगह जो उत्तर देते हैं वह हम सभी के लिए ग्राह्य है। वे कहते हैं कि मैं जो राम तो कुल सहित कहीं रसायन आई। अगर मैं राम हूं, मेरी बाणों में क्षमता है, तो कुल खानदान सहित रावण खुद जाकर कहेगा, आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके आगे आप बढ़ेंगे सुंदरकांड में। आज जब एक मित्र की परिभाषा हरिशंकर परसाई जी इस तरह देते हैं कि असली मित्र वही होता है जो मित्र के उत्कर्ष को सहन कर सके। आज व्यक्ति मित्र के उत्कर्ष को सहन नहीं कर पा रहा है, तब हमें सुंदरकांड की यह पंक्ति याद रखनी चाहिए कि जेन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हही बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरि सम रज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। अतः इन सभी चौपाइयों का सार यही है कि जीवन को एक आदर्श रूप में आप किस प्रकार जी सकते हैं। अंत में यही कहूंगा कि रामचरितमानस आज के दौर में अनिवार्य ग्रंथ है। इसका श्रवण, इसका पठन हम सभी को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि सो सुख जानई मन अरुकाना, सो सुख जानई मन अरुकाना, नहीं रसना पही जाई बखाना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।